थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं आ रही है वो बताओ खाली दो आ जा अदन का तुम मैं मतलब वैसे तो आती रहती हूँ मेरे दादाजी एंड मेरी दादी जी से मिलने के लिए, मतलब हमारा जो कोर फैमिली है वो यहीं पे है, तो मैं आती रहती हूँ मिलने। अभी तो मैं शायद कुछ महीनों बाद ही आई हूँ, कम से कम 6 या 7 महीने बाद में मैं यहाँ पर इनसे मिलने आई हूँ। और मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हाँ कुछ पाने के बाद में जब अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने आते हैं तो इसकी फीलिंग एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी जी एंड मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो यस, आप अपने यहाँ उम्र के जो जो भी स्टूडेंट हैं छात्र, उनको क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैं एक एरोस्पेस बैकग्राउंड मतलब मेरा जो है, तो मैं उसी के बारे में अवेयरनेस एंड मतलब उसी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है, जो स्पेस सेक्टर जो है हमारा इसरो DRDO, तो उनको बहुत सारे इंजीनियर्स, एरो एस्पिरेंट्स एंड एरो रिसर्चर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा भी मतलब इंटरेस्ट है, तो उन्हें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए अपना स्पेस सेक्टर के अंदर। मैंने 12वीं के बाद में अपना एडमिशन लिया था बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। फिर मैंने बीटेक अपना कंप्लीट करने के बाद में एमटेक का प्रिपरेशन किया, मैंने अपना टेस्ट एंड ऑल सब कुछ का प्रिपरेशन किया, फिर मैंने एमटेक में एडमिशन लिया MIT यूनिवर्सिटी में। और अब जब मेरा एमटेक कंप्लीट होने वाला है 2023 में, तो मेरे हाईएस्ट CGPA मतलब हाईएस्ट मार्क्स मतलब पूरे बैच में से मेरे हैं। एरोस्पेस को समझने के लिए हम पहले एरोनॉटिक्स के बारे में समझेंगे, जो कि इससे थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है। तो एरोनॉटिक्स की जब हम बात करते हैं, तो एरोनॉटिक्स मतलब भी जो भी चीज़ें धरती के अंदर रह के उड़ती हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स, एरोप्लेन, ग्लाइडर्स, तो इन सब की जब इंजीनियरिंग की हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग माना जाता है। और अगर हम यही चीज़ें अंतरिक्ष को मिलाकर मतलब अर्थ के अंदर, धरती के अंदर भी जो चीज़ें उड़ रही है और धरती के बाहर भी जो चीज़ें हैं उनकी अगर मिला के अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहें, अगर उसकी साइंस को हम पढ़ते हैं, तो उसे एरोस्पेस बोलते हैं। जैसे कि सैटेलाइट, रॉकेट, मिसाइल सिस्टम्स एंड इन स्पेस शटल, इन सब की और साथ में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर की अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसे एरोस्पेस बोला जाता है। चावला के बारे में पढ़ा, वो तो मुझे बचपन से ही वो मेरी इंस्पिरेशन थी, तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है। तो हाँ, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज़ किया और आज मैं एक कामयाब एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। और अभी मेरा पोस्टिंग हुआ है एज एन HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट एरोस्पेस डिपार्टमेंट के अंदर मेरठ में IIMT यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ में एरोस्पेस डिपार्टमेंट का पूरा मैं हेड हूँ। और अभी रिसेंटली ये कल का ही बात है, मैंने एक रिसर्च मतलब कि एक मैंने खोज की है जो कि इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुकी है, तो वो एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मैंने प्राप्त कर ली है, जो कि अभी पब्लिश हो चुका है मेरा पेपर। और मैंने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर अपनी खोज की है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो चुकी है।
तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं करूँ, और मेरे मतलब फैमिली ने मेरी परवरिश भी ऐसे नहीं की है कि तुम एक लड़की हो तो ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। मेरे फादर ने हमेशा मुझे बेटे से भी मतलब ऊपर का मान के हमें पूरा शिक्षा दिलवाई है, हमेशा संस्कार दिए हैं। तो मैं सभी को भी यही कहना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स हैं अपनी लड़कियों को सप्रेस करने का कोशिश मत करो, जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको सुनो, उनको समझो, और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हर तरह से सपोर्ट। और मैंने मेरी बेटी को ऑलवेज इस टाइप से इसी एंगल से सपोर्ट किया है। मैं उसको एक साइंटिस्ट ही देखना चाह रहा था, इसी पाथवे पे मैंने इसको डेवलप करवाया था, और मुझे बहुत खुशी है आज मेरी बेटी वैज्ञानिक बन गई है और IIMT यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गई है, तो मुझे बहुत खुशी है। वैसे बचपन से ही मुझे पता था कि ये बच्ची कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाएगी, और हमें मौका मिला ही नहीं बहुत जल्द, जितना जल्दी होना हमने सोचा था कि शायद टाइम लेगी, लेकिन उन्होंने कभी टाइम लिया ही नहीं। जैसे जैसे समस्या आती गई ये स्वयं हल करती गई और हमें भी प्रेरणा देती गई कि मैं देखो जो आप चाहते हो ना वो मैं बहुत जल्द बन के दिखाऊंगी, और हमारा सपना है वो पूरा किया है। वैसे हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, पहले हमने सोचा तक नहीं था कि हमारे बच्चे भी कभी इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमारे सपने को हमारे बच्चों ने पूरा किया है। बहुत खुशी की बात है, हमारे गाँव की बेटी वैज्ञानिक बनी है, और इससे गांव में संदेश भी ठीक जाएगा और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, और ये बहुत ही खुशी की बात है।